कहीं आपको उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी इसके बारे में आपको एक कहानी से अवगत कराऊंगा। ठीक। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आंसर I बराबर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। माना एक्स बराबर टेन थीटा, डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको जानकारी है जिसे मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। समाकलन चल रहा है लेकिन जिसे भी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स का मान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर टेन इनवर्स ये रहा टेन थ्री थीटा का सूत्र इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर टेन से टेन हट जाएंगे थ्री थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर थ्री तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इस प्रश्न को आप पहले कर चुके हैं, इस प्रकार का प्रश्न दो बार कर चुके हैं। आइए देखते हैं फिर से उसे करके। फर्स्ट और सेकंड फलन तीन तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह डी अपॉन डी थीटा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और पूरे का डी थीटा। थ्री थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना होगा, टेन थीटा माइनस इसका 1 और इसका टेन थीटा डी थीटा। थ्री थीटा टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा प्लस सी, टेन थीटा का समाकलन हो गया लॉग सेक थीटा। अब इनका रखना है आपको मान, माना गया तब क्या माना गया, टेन तो थ्री थीटा का मान क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू इसकी जगह तो एक्स आ ही जाएगा माइनस लॉग सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। थ्री कोष्टक एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर तो ये प्रश्न है, कुछ बड़े तो होंगे ही निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको काफ़ी आसान लगने लगेंगे। टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सूत्र है टेन थ्री थीटा का। एक्स बराबर मान लिया टेन थीटा डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा, एक्स का मान रख दिया, मान रखने के बाद डबल फंक्शन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो थ्री तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड फलन के अनुसार आप इसे विधिवत तरीके से कर सकते हैं।
बाद में थीटा का मान रख दिया। अगर यहाँ पर मान रखते टाइम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रायंगल बना के लंबकर्ण या आधार इस तरीके सोच के भी उनके मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन कॉस एक्स रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। आंसर आई बराबर कॉस एक्स रूट 4 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है, क्या करना है, माना साइन एक्स बराबर टी, दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आई बराबर, ये तो डी टी में चला गया, कॉस एक्स डी एक्स मिल के बचा क्या, 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। आई बराबर रूट, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये रहा सूत्र रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये बटे में होता 1/2 तो किसका होता, साइन इनवर्स एक्स बटे ए का सूत्र। ये ऊपर है इसलिए बड़ा वाला सूत्र है, क्या सूत्र होता है, 1/2 एक्स अंडर रूट, 1/2 एक्स का मतलब क्या, टी के पदों में, तो टी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स टी 2 प्लस सी। 1/2 टी का मान, टी बराबर माना है साइन एक्स, 1/2 साइन एक्स रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 4 साइन इनवर्स साइन एक्स 2। ये कट हट नहीं पाएंगे क्योंकि इसके साथ अपॉन में चल रहा है। और आंसर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र है, पढ़ाया आपने, हमने लिखाया भी है, नोट कराया है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यू डीएक्स। आंसर आई बराबर साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यू डीएक्स, माना लॉग एक्स बराबर टी, लॉग एक्स का क्या होगा, 1/2 एक्स डीएक्स बराबर डीटी, या इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या होता है, ई पे पावर टी इस तरीके से मान निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे मान रखिएगा। तो एक आई बराबर 1/2 एक्स, 1/2 एक्स तो चला गया डीएक्स मिलके डीटी में चला गया, तो ये क्या मिला, साइन टी, और बचा क्या है, एक्स स्क्वायर नीचे बचा है। जब एक्स स्क्वायर नीचे बचा है तो ई पे पावर क्या लिख सकते हैं उसे, 2t dt, ई पे पावर 2t dt। 1/2 एक्स, एक एक्स चला गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा,
और एक्स स्क्वायर बराबर ई पे पावर टी का होल स्क्वायर ई पे पावर माइनस टू टी रख दिया। आई बराबर साइन टी ई पे पावर माइनस टू टी डी टी, आई बराबर ई पे पावर माइनस टू टी इंटू साइन टी डी टी। इक्वेशन नंबर एक, एक आपको सूत्र पढ़ाया गया है ई पे पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स बराबर ई पे पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो इसके आधार पर ए बराबर माइनस टू और बी बराबर वन हम इसमें रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा जब ऐसा रखेंगे तो ई पे पावर माइनस टू टी अपॉन दो का वर्ग चार एक का वर्ग एक कोष्टक माइनस टू साइन टी माइनस वन कॉस टी प्लस सी। आई बराबर एक बटे पाँच ई पे पावर टू टी का आपको रखना होगा मान। तो ई पे पावर टू टी का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए टी का मान रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ई पे पावर माइनस टू लॉग एक्स कोष्टक माइनस टू साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी। माइनस चिन्ह बाहर निकाल के ये प्लस हो गया और आई बराबर कितना आया जब ये है ये यहाँ स्क्वायर जाएगा माइनस की घात है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर। समझाएंगे अभी हम आगे वाला प्रश्न करेंगे तब आपको, टू साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी दैट इज योर आंसर। इस प्रकार ये फिर से हम अगला एक और प्रश्न ऐसा ही लेकर आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ समझने की कोशिश कीजिए आप, कोष्टक के अंदर क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स बराबर मान लिया कितना टी, लॉग एक्स बराबर टी, लॉग एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे लॉग एक्स बराबर टी आपने माना है लॉग एक्स बराबर टी, तो एक्स बराबर वैल्यू निकालने जाए तो क्या होगी ई पे पावर टी, एक्स का डी एक्स हो गया ई पे पावर टी डी टी बना, डी एक्स की जगह ई पे पावर टी डी टी बना, ई पे पावर ये थ्री टी हो जाएंगे ऊपर ई पे पावर टी, एक टी कट जाएगा ये बचेगा ई पे पावर टू टी ऊपर माइनस के, ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स ए की जगह रखा है माइनस टू बी की जगह रखा है वन, उस हिसाब से सूत्र में लगा दिया और बाद में टी का मान रख दिया, टी बराबर माना गया था लॉग एक्स, लॉग एक्स रख दिया सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।